Hey, what's up everybody? Let's get back to business. तो इतने दिनों से आप लोग भी सोच रहे होंगे, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि मैं कर क्या रहा था। तो एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस बीच मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे मैं ये आपको बताने के लिए कि मैं इतने दिनों से कर क्या रहा था। तो इतने दिनों से मैं ऑफ था यूट्यूब पे, अब फिर से आए हैं तो दोबारा बनाते हैं वीडियोज़। तो पर आज का जो मेन टॉपिक है, मेरा नोज, मैंने अपना नाक फोड़ दिया था, वो भी ठीक होने लगा, देख सकते हैं। मॉम डैड, आपको वरी होने की बात नहीं है, आप लोग बहुत चिंतित करते हो, मगर मेरा नोज़ जो है सही है। एंड अबाउट एग्ज़ाम्स, आप लोग सोच रहे हो कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पोस्टपोन ज़रूर हुआ। पोस्टपोन क्यों हुआ वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो अभी ख़त्म होने के बाद ही हमारा शायद से एग्ज़ाम होगा। तो तब तक मैं सोचा क्यों ना वीडियो डाल दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ और मुझे ये भी डर है कि डीमोनेटाइज ना हो जाए। तो डीमोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बने रहे वीडियो में, तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। सो आई वॉज वेलकम विद द हैवी रेनफॉल एट जम्मू 1 month बैक। एग्जाम स्ट्रेस वॉज ऑन माई हेड। On 15th of August, Jammu University celebrated Independence Day. We began with our routine and studied all day. A tea break at 5. Food at hostel and return back to home at 10 p.m. at night. भाई हमारा कुछ सुनाना चाहता है। सुनाओ भाई, क्या सुनाना चाहता है? मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि jurisprudence का पेपर है और बहुत टफ है और समझ में नहीं आ रहा हमारे बस इतना काफी है। Sometime we dance a bit at hostel as a stress buster. Sad news. Here's the reason that why our exam are getting postponed. Late Sri Chandrasekhar committed suicide at psychology department. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। तो मैं आज जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ। सो हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कटरा देवी पिंडी में और वहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल में नहाएंगे और कुछ मंदिर है वहाँ पे भगवान के दर्शन करेंगे और साथ में कुछ लोकल फूड है कटरा का, जो डोगरी फूड कहते हैं जिसको, तो हम उसको इंजॉय करेंगे। इनका नाम है सौरभ, ये रहा मशकूर और यहाँ है हमारा अभिनव भाई। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो भाई हमारा यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, ये कौन सा जगह है भैया? जो भी यहाँ से कटरा की और जो भी जा रहा है जम्मू से, तो बीच में ही आता है रास्ता। तो भैया आपका प्राइस क्या रहता है? पर पिक 10 रुपये, बहुत ही सस्ता है, जेन्युइन है। भैया जो है बहुत एक्सपीरियंस वाला है, तकरीबन डेढ़ दो साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो जो भी आ रहा है भाई से मिलिए, आपका नाम अनीस से मिलिए, फोटोग्राफी ज़रूर खींचे, मतलब मैं भी अभी 2-3 खींचूंगा, तो आप लोग भी खींचे, जेन्युइन रिजनेबल रेट है, दैट्स ऑल।
भाई हमारा खींच रहा है एक, एक हवा हो गया भाई ऊपर वाला देखा भाई देखो एक्सप्लेन कर रहा है पॉजिटिव बता रहे हैं क्या बनाया तूने यार देवी पिंडी हाँ ये तो कटरा वाली रोड है फिर ये तो यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ काफ़ी बारी मैं सोचा कुछ और ही जगह होगा चलो कुछ नया देखेंगे पर स्कूटी ये बंदा चला रहा है अगर टूटा तो ये देखो अभी मैंने पूरा प्रूफ मेरे साथ है सारा स्कूटी जो है एकदम A1 अगर टूटा तो इसकी जिम्मेदारी है चलो 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 वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है मोदी जी का डायलॉग वाह क्या सीन है वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह वाह क्या सीन है तो हम आ गए अभी कटरा मेरा स्कूटी चला रहा है देखो सौरभ हेलमेट पहन हेलमेट ये है कटरा मार्केट हेलो जी पहुंच गए अयो बाइक तो बड़ा अनकंफर्टेबल है यार पीछे वाला जो सीट है बहुत ही हार्ड है सौरभ कितना किलोमीटर होगा 60 हाँ ऑलमोस्ट 55 to 60 किलोमीटर है चार वकीलों को कोई धमकी देगा चलो अब यहाँ से जाना है हमने नीचे तो फ्रेंड्स ये फ्रेश वाटर है ये जो है त्रिकुटा हिल से होके गुजरता है नीचे अंडरग्राउंड वाटर है और ये फ्रेश वाटर का सोर्स है ये यहाँ पे है क्या एक्चुअली ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे तो ये हम स्टेयर्स उतर रहे हैं स्विमिंग पूल तक पहुँचने के लिए हाँ अब ये बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है इनका पानी का टेस्ट कैसा लगा पानी का ठीक है ठीक है छोटा सा स्विमिंग पूल है नीचे भी है सौरभ है वहाँ पे जल्दी कर यार तो कहाँ से नीचे से मारेगा डाइवर इसको देखिए इसके तारे जमीन पर मगर बच मजा आ गया मजा चोट लगी इसको चोट लगी क्या यहाँ पे चप्पल पड़ी इसकी It was at this moment that he knew he fucked up. डाइव मारा देखो मेरा नाक फूट गया खून बस बस अब हाथ नहीं लगा इंफेक्शन अब मैं थोड़ा सा हल्दी लगाऊंगा मेरा दोस्त लगाएगा सो गाइस हल्दी लाइए इसके लिए भैया से बैंडेज जैसे बैंडेज तो मिला नहीं बैंडेज मिला नहीं मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे तो अब भाई को मैं अपने हाथों से प्यारे प्यारे नाक पे हल्दी लगाऊंगा बस हो गया लद्दाखी भाषा में रो रहा है बस ना यार नहाना भी यार अभी हाथ कर हाथ का बता हाथ पे भी छोटा तो भाई को हाथ में भी लगी है तो हल्दी से क्या होता है हल्दी से रिकवरी जल्दी होती है ये चलो देखते हैं लग तो मैं जोकर लगा लग रहा हूँ जल रहा है यार तो अभी हो जाएगा ऐसा नखरे मत के लोगों को पता हल्दी से जलता नहीं मम्मी कसम जल रहा है नहीं होता हल्दी लगती है झूठ नहीं बोल रहा बिना झूठ मुझे जब मम्मी से बचपन में लगाती थी नहीं लगती थी बचपन में माँ के हाथ का कुछ भी है ना अच्छा लगता है चलो माँ के हाथ का थप्पड़ भी अच्छा लगता है और वो
गोता लगा भाई, चश्मा कहाँ गिरा दिया तूने? भाई का चश्मा घूम गया मुझे बीच में गया। कोई बंदा मेरे पे गया यार, कोई बंदा चश्मा निकाल के दो भैया। ये भी स्क्रिप्ट था यार। So guys, अभी ने जोर से इसने डाइव किया उर्ग्यान ने ऊपर वाले स्विमिंग पूल में, तो हाइट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं डीप डाइव करता हूँ, उसकी वजह से इसको इंजरी हो गई है, नाक में भी हाथ में भी लगी है इसको, और थोड़ी सी जो है वो सर पे भी चोट आई है। कहाँ सर पे? ऐसे यार, हल्दी लगा, हल्दी के बीच में से खून निकल जा रहा है, मेरे ख्याल से सूझ चुका है। मेरा नहीं लगा कि इसने ये देखा कहाँ पे भाग रहा है। तो गाइस, ये है मशहूर पंचर वाला, वो देखिए टायर बना रहा है यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए, टायर का काम करता है, बहुत अच्छा काम है, मेहनत की खाता बेचारा, कोई चोर चकारी डाका नहीं मारता। अभी भी हवा भर रहा है तो पानी आ गया, शर्म कर भाई, पानी आ गई। यार देखो ये लोग मेरे हिंदी में था ही निकाल के ना, बस मैं पागल होने वाला। ये हमारा भाई है, ये गुस्सा कर रहा है, देखो मजा आया, बहुत मजा आया। केवल स्त्रियों के लिए स्नान है। ओ भाई, केवल स्त्रियों के लिए स्नान है। ये हम सब स्त्री हैं क्या? कोई बात नहीं, जब स्त्री आएंगे हम निकल जाएंगे। चाय आ गई, चाय देख। नाक टूट गई भाई। तो बताओ मैं किसमें पीता फिर? हमारा सौरभ भाई नाराज़ हो गया क्योंकि ये कांच का ग्लास उसका था और हमारे हरामी दोस्त दो उसका कांच का ग्लास पी लिया, इसलिए वो नाराज़ है। देखिए तो नहा लिया है, अब जहाँ पे चोट लगा है मैंने वहाँ पे एक पेपर कट करके लगा लिया ताकि ब्लड स्टॉप हो जाए, और बाहर जाऊँगा मेडिकल स्टोर से बैंडेज लगाऊँगा। काफ़ी क्राउड आ गया अभी देखो। ओए ओए ओए, मज़ा आया नहा के, मज़ा आया नहा के, हम लोगों ने नहाया, काफ़ी इंजॉय किया, हम लोग वापस जा रहे हैं। ओ मिस्टर, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आए हैं अभी कटरा मार्केट खाना खाने के लिए। जी खाना हो गया हमारा, अब निकलते हैं, अपन आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम बस अभी लेने के लिए आए हम लोग, बैंडेज। थैंक यू ब्रो। ओके, हमें कहाँ ले गए हो सौरभ? तो ये कटरा में इस्कॉन का टेंपल है एक, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे शिवलिंग भी है, शंकर भगवान के। अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। अंग्रेजों का? हाँ अंग्रेजों का। क्यों? अंग्रेजों का मंदिर मतलब ये जो है फॉरेन के लोग जब इसको फॉलो करते हैं हमारे पिता को या राधा कृष्ण को, तो तभी ये है, ये उसी के पर्सपेक्टिव से है। अच्छा, तो इस्कॉन मंदिर का भी हमने दर्शन कर लिए, बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिला। इसके बाद हम अभी निकल रहे हैं वापस, घर वापस जाएंगे, तो वहाँ पे जाके वीडियो कॉल करेंगे। तो आगे घर पे बहुत ही लंबा सफ़र था स्विमिंग किए, और स्विमिंग के दौरान आपको पता ही है थोड़ा सा चोट लगा है। अगली बार फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, और जो भी मेरी YouTube पे नए हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर भी कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।